हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो दिस इज सिक्स ए एम इन द मॉर्निंग वैन आई वेकअप और जो है यहाँ पे मैं वही वोम वाटर जैसे लेती हूँ तो यहाँ पे जो दिन है वो पूरा निकल चुका था और आज बड़ा सनी डे है बहुत ब्राइट जो है सनशाइन थी दिखाई दे रही थी यहाँ पे देन आफ्टर फ्रेशिंग अप शार्ड लेने के बाद जो है देन आई डू मेडिटेशन नहाने धोने के बाद उसके बाद जो है मैं रूम में गई एक्चुअली आज मेरा रूम ऑक्यूपाइड है मेरा नेफ्यू आया हुआ है और मेरा भाई जो है वो मेरे रूम में थे तो मैं जस्ट रूम में गई पुरा अंधेरा था वो सो रहे थे और मैं अपनी जो बुक्स लेके बाहर आ गई टूडे आई एम डूइंग रिविजन ऑफ मॉडर्न इंडिया जी के इंडियन फ़िलासफी एंड माई नोट्स आफ्टरनून रिविज़न ये एक बच्चों वाली जैसी जो वो चाहिए मेरे भाई ने मेरे को ऐसी ला के दे दी थी मैंने उससे वोच मंगाई तो मैंने ब्रेकफास्ट किया है थोड़ा सा रात को मैं भी बैठी हुई थी जल्दी डिनर कर लिया था उसके बाद जो है वो मैंने अपनी ये इस तरीके के मैंने चार्ट बनाए थे मतलब पहले कभी तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे फिर देन मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू की अगर आप हमारे ब्लॉग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए बिकॉज जिससे जो आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचते रहे दैन जो है वो मैंने अपनी क्लास लेनी शुरू की थी बिकॉज ये मैं मिस नहीं कर सकती ये मुझे डेली बेसिस पर लेनी होती है तो यहाँ पर मैं कर रही थी क्योंकि आज जो है आपको ब्लॉग से पता चले गया होगा मैं दस महीने बाद अपने होम टाउन जो है वो विजिट कर रही हूँ तो इस वजह से जल्दी जल्दी मेरे को काम सारा खत्म कर रहा था ये देखिए रात को लोगों ने मेरी क्या टेबल की हालत करी है जिसने भी ये काम किया है उसे मैं छोडूंगा नहीं देन थोड़ा तो टेबल ठीक करने के बाद जो है वो मैं उनका ब्रेकफास्ट बनाने के लिए कुछ सामान ग्रोसरी लेने के लिए बाहर जा रही थी देन आज ब्रेकफास्ट में जो है वो मैंने ये पिज़्ज़ा ब्रेड टाइप जो है ये बनाया था इन सब के लिए बिकॉज़ कुछ सोच रहे थे कि कुछ ऐसा फिलिंग हो कि जिससे पेट भरा रहे और हम अच्छे से प्रिपेयर तो अभी मैं आर्ट एंड कल्चर करने का सोच रही थी बट ये नितिन सिंघानिया की बुक इतनी बढ़ी है ना और अभी मेरे पास ना बहुत टाइम कम है आई थिंक दो तीन घंटे में अपने को निकलना है तो जो है और थोड़ा बहुत काम वगैरह भी है तो मैंने ना एक बुक ऑर्डर की थी वो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गई थी तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ ये जैन ब्रदर्स जो हैं उनकी बुक है इनके जो राइटर हैं वो हैं प्रमेश जैन और प्रतीक जैन सर तो ये बुक जो है ना आ, क्या था कि मैंने सुना था लाइक जैसे कि नितिन सिंघानिया को लेके ना कुछ ऐसे रहता है कि बहुत मोटी बुक है और जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो है पार्ट उसको छोड़ के फिर जो और चैप्टर्स है वो इतने डिटेल में दे रखे हैं हमें वो स्पेसिफ़िकली पढ़नी पड़ती है तो इसके बारे में मैंने सुना था कि जो मतलब कि थोड़ा ऑप्शनल जिनका हिस्ट्री था तो उन्होंने ये बताया था कि हाँ ये बुक जो है अच्छी है तो ये मैंने ऑर्डर की थी ये मेरे पास कल रिसीव हुई थी तो फिर जो है कल मैंने इसको पूरे दिन बैठ के देखा था कि कैसी है बुक मुझे ये बुक मतलब सच में ये बुक जो है ना मुझे अच्छी लगी ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप जो है ये कहोगे कि नितिन सिंघानिया बेकार है ऐसा नहीं है बट इसमें जो है ना मुझे कुछ प्लस पॉइंट्स जो हैं वो लगे जो नितिन सिंघानिया में नहीं है अभी मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ इसकी आप वॉल्यूम को ही देख लो कि जैसे ये जो बुक है ये इतनी है मतलब कि ज़्यादा मोटी नहीं है ये कम इसके उसको देख के कंटेंट को और नितिन सिंघानिया जो है वो मतलब इतनी है तो मतलब कि ये वाला वॉल्यूम का फ़र्क हो गया पहली बात तो दूसरी चीज़ जो है वो इनके रेट्स में जो है ना वो 200 के अराउंड का डिफरेंस आ जाता है ये 600 कुछ की थी और कुछ डिस्काउंट के साथ ये मुझे मिली थी एंड ये एट के ये डिफरेंस था दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे अच्छा प्लस पॉइंट इसका लगा ना आप ये देखो कि जब आप नितिन सिंघानिया को पढ़ते हो ना आपको एक तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा और जितनी भी चीज़ें आपको दे रखी है ना ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में दे रखी है तो मतलब कि और बहुत क्लोज़ क्लोज 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 जो है वो कंटेंट आपको दे रखा है इसमें बट इस बुक में ना जो आप ये कह सकते हो कि ये जो है टेक्स्ट है ये बहुत अच्छे तरीके से रखा है जैसे कि इसी को हम लेके चलते हैं ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ सील्स है ना इसको पॉइंट फॉर्म में दे रखा है कि अगर अपना मेंस में आंसर क्वेश्चन आ गया ना कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सील्स इन दैट एंशेंट इंडिया या कुछ तो आप जो है डायरेक्टली चार पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर कर सकते हो ठीक है और जैसे कहते हैं ना कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो वही चीज़ हमारे माइंड में इमेज बन जाती है तो अगर आप पॉइंट फॉर्म में ही चीज़ों को पढ़ रहे हो पहली बात तो आपको याद करने में आसानी हो रही देखिए आपको इस पूरी बुक में ना चीज़ें पॉइंट फॉर्म में दे रखी है मुझे चीज़ बहुत अच्छी लग रही है इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लग रहा है ये कि सारी चीज़ें पॉइंट फॉर्म में दे रखी है दूसरी बात इसमें जितना एक्स्ट्रा कंटेंट है ना इसमें टू द पॉइंट चीज़ दे रखी है जो यू में चाहिए प्रिपरेशन में वही दे रखा है पॉइंट वाइज दे रखा है कि डायरेक्टली आप इन पॉइंट्स को याद करके जो है वो अपना आंसर लिख सकते हो तीसरी चीज जो मुझे इसमें लग रही है ना वो मुझे इसके डायग्राम्स लग रहे हैं मतलब जो ये डायग्राम्स के कलर्स हैं और जिस तरीके से इनका साइज़ रखा गया है ये बहुत अच्छा है यहाँ पे आप देखो कि कितना छोटा साइज़ है और यहाँ पे देखो कि ये जो साइज़ है ये कितना बड़ा रखा है इमेज़ का तो उससे क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि इमेज फॉर्मेशन होता है इमेज़ के थ्रू हम जल्दी कर लेते हैं तो इस तरीके से ये दे रखी हैं चीज़ें साथ में मैप दे रखे हैं हर चीज़ के जो भी मतलब कि प्लेस है जहाँ पे हुआ है और थोड़ा अच्छे इफेक्ट्स में कुछ थ्री इफेक्ट आप इसको कह सकते हैं इस इफेक्ट में मैं आप दे रखें तो ये बुक अच्छी है दूसरी चौथी चीज़ जो है वो इसमें मैं अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बताऊँ ये देखिए पहले तो आप ये सारी इमेज ही देख लें कि कितने अच्छे तरीके से इमेज़ दे रखिए कि आप बस इमेज देख के कर लिए हाँ अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं ना वो सारे क्वेश्चन क्या दे रखे हैं कि डायरेक्टली क्वेश्चनस दे दिए उसके बाद आंसर दे दिया मतलब ऑप्शन बता दिया बट इसमें जो है ना आपको क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन के बाद ना उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब कि आपको अगर मान लीजिए कि जैसे कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ठीक है आपने ये वाला टिक कर दिया आपको ऑप्शन में तो पता चल गया कि डी ऑप्शन है बट आपको ये समझ नहीं आएगा कि मेरा क्यों गलत हुआ तो डायरेक्टली नीचे जब आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी ना उसकी तो आपको तभी कैच हो जाएगा कि अच्छा मैंने ये पॉइंट गलत किया था इस वजह से हुआ था तो इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी है ऊपर से मतलब कि ये जो थोड़ा डिस्टेंस डिस्टेंस पे दे रखा है ना तो आइस के ऊपर ना ऐसे बर्डन नहीं पड़ रहा पढ़ने में तो जो क्रिस्प और आप ये देखिए कि डांस फॉर्म्स में इमेजेस कितने अच्छे से दे रखे कि अगर मान लो कि आपको एकदम से ये गोरवा डांस है तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि अच्छा गोरवा डांस इस तरीके से होता है क्योंकि इतने अच्छे तरीके से देखे नॉर्थ कर्नाटका का दे रखा है तो ये बुक ना बहुत अच्छी है रिविज़न बहुत जल्दी होएगा इस बुक से आप ये देखिए कि ये जो मुद्राज है बुद्धा से रिलेटेड हालांकि ये है नितिन सिंघानिया में भी बट इसको वो थोड़ा प्रोमिनेंट फॉर्म में दे रखा है तो ये अच्छे है तो ये वाली जो बुक है आर्ट एंड कल्चर की जैन ब्रदर्स Uh, प्रमेश एंड प्रतीक जैन सर तो आप इसको ना ज़रूर आप नितिन सिंघानिया से अगर स्ट्रगल कर रहे हैं ना मैं कहूँगी कि आप इसको ज़रूर जो है एक बार देखें ये बुक सच में अच्छी है मतलब मैं तो इसको पढ़ूंगी आप मेरे आगे के ब्लॉग्स में भी देखेंगे तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी जहाँ से आपको ये बाय करनी है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए देन उसके बाद पैकिंग शुरू हो गई थी तो मम्मा आसमी कि वो बैग वगैरह उतार दो तो थो थोड़ा सा इसमें भी टाइम लग गया था देन मैं अपना इंडियन फलोसफी ऑप्शनल रही थी बिकॉज जैसे क्लास मिस नहीं कर सकते वैसे ही फलोसफी को भी नहीं कर सकते देन दिस इज़ द टिपिकल हरियाणवी हाउस फेस्टिवल के टाइम सारी जगह सूट 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 ऐसे बिखरा हुआ था पूरा घर बिखरा हुआ था और मुझे जहाँ जगह मिल रही थी मैं वहीं बैठ के पढ़ रही थी बिकॉज मेरा रूम ऑक्यूपाइड था तो मैं यहीं पे हॉल में बैठ के मैंने अपने जो नोट्स मेकिंग मेकिंगा गवर्नमेंट स्कीम्स का थोड़ा वैसा तो वो मैंने जो है करना शुरू कर दिया था उसके बाद लास्ट में जो है वो मैंने योजना पढ़ी थी आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस व्लॉग में कि मैं योजना लेके आई थी मई की और जून की तो ये सॉरी अगस्त और मई की तो यहाँ पे जो मेका था सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो जो है मैंने की उसके बाद पैकिंग में लंच वगैरह में पूरा दिन ऐसे चला गया था और यहाँ पे शाम के सवा सात साढ़े सात बजे का टाइम हो रहा था जब हम निकले थे अच्छा मेरा होम टाउन जो है वो सोनीपत है हरियाणा के अंदर देन यहाँ पर जो है मैं और मेरा नेफ्यू जो है वो भी राजस्थान पी की तैयारी कर रहा था तो हम मिडी इंडिया को डिस्कस करते हुए जा रहे थे और ऐसे हरियाणा के गाँवों से निकलते हुए हम रात को नौ साढ़े नौ बजे वहाँ पे पहुँचे थे देन वहाँ पे तो हम जाके सो गए देन अर्ली मॉर्निंग जहाँ पे हम रुके थे अपने भैया भाभी के पास वहाँ पे देन दिस इज़ द प्रॉपर सोनीपत रूट जहाँ से हम मतलब एक्चुअली क्या होता है जब हम सोनीपत जाते हैं तो हम एक जगह दूसरी जगह चार पाँच जगह होते हैं और ये जो आप सामने ग्रीन बिल्डिंग दिखाई दे रहा है ये जो टेम्पल दिखाई दे रहा है दिस वॉज माई स्कूल Uh, जब मैं सिक्स सेवन्थ में नर्सरी के में पढ़ी थी एंड दिस इज़ ऑल ये बच्चे जो है साथ में ऐसे बैठे थे मतलब पूरा दिन ऐसे ही हमारा uh, गया था तीन चार जगह हम गए थे वहाँ पे ऐसे ही होता जब होमटाउन uh, जाते हैं देन जो है हम फिर निकले थे नेक्स्ट डे शाम को मतलब पहले दिन शाम को गए थे और देन हम दिल्ली जो है वो रात को पहुँच गए थे सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ब्लॉक सो प्लीज़ सब